हर जीव सुख से रहना चाहता है। जीव के साथ में तन और मन ये दो हैं। जीव की ये दोनों संपत्ति हैं। ये संपत्ति औपाधिक है, स्वाभाविक नहीं। औपाधिक का मतलब है उपाधि भेद से। जैसे कोई सभा हो तो एक अध्यक्ष चुन लिया जाए तो उसकी अध्यक्षता औपाधिक है। जब तक मंच पर बैठा है अध्यक्ष है, जैसे उतरा अध्यक्ष नहीं। जीव का जो स्वाभाविक स्वरूप है वो चेतन है और आत्मा। चेतन यानी ज्ञान, आत्मा यानी स्व। स्व है ज्ञान है। और बाकी तन और मन उसका स्वाभाविक स्वरूप नहीं है, औपाधिक है, कुछ समय के लिए आरोपित है। मन अनादिकाल से साथ में है प्रवाह रूप में, और तन भी प्रवाह रूप में मिलता छुपता है। शरीर और मन जो उसके साथ है, यही दो उसकी संपत्ति है औपाधिक, और यही सरदर्द है। और इसी सरदर्द में से अपने को संभाल के निकाल ले तो कुशल है। अपना हाथ अगर पत्थर से दब गया तो जोर से खींचोगे तो हाथ ही उखड़ जाएगा, टूट जाएगा, कट जाएगा। संभाल करके निकाल लेना चाहिए। तन और मन के दरेरे में जीव पड़ा है, और इस बात में कोई संदेह नहीं, सब जीव भुक्त भोगी हैं और भोग रहे हैं। तन का झमेला भोग रहे हैं और मन का झमेला भोग रहे हैं। इसमें विश्वास करने की क्या बात है, भोग रहे हैं रात दिन। विश्वास करो तो न करो तो सामने है। अपने पर विश्वास करो, अपने पर विश्वास नहीं होता। तन तो सामने है जो रात दिन रुला रहा, और मन सामने है जो रुला रहा है। किसको रुला रहा है? आपको। आप कौन है इसी ख्याल नहीं। दुनिया में जितने आध्यात्मिक मार्ग हैं सब तन और मन से आत्मा को भिन्न मानते हैं। बौद्धों में ऐसा चिंतन आया कि स्वयं महात्मा बुद्ध उसके लिए मौन रहे। उन्होंने ये तो कहा कि हम अनाद काल से भटकते आ रहे हैं। अय तृष्णा, अब तेरी कड़ियां मैंने तोड़ दी है, अब तू देह धरा नहीं सकती। अनाद काल से भटकते आ रहे हैं दुख में, ये उन्होंने कहा। और इसका अर्थ वही होता है जो अनाद काल से आ रहा एक स्थिर सत्ता है। लेकिन उन्होंने त्रिपिटक में जहां तक लिखा गया है कोई विवरण नहीं दिया। यदि त्रिपिटक भी जो लिखा गया है वो उनके निधन के करीब करीब 500 वर्ष के बाद लिखा गया है। जो लोग सुनेंगे उनको आश्चर्य होगा। जैसे आज कबीर साहब के विषय में लिखा जाए कि कबीर साहब ने ये कहा ये कहा, बहुत देर हो गई है, 500 वर्ष साहब के शरीर के छुटे, 500 वर्ष से भी कुछ कम है। तो इतने दिनों के बाद बताया जाए कि उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, ये उपदेश है, तो बहुत कुछ मिलावट हो जाती है। लेकिन 500 वर्ष के बाद जो लिखा गया है त्रिपिटक, उसमें कहीं ये नहीं लिखा गया है कि आत्मा नहीं है, कहीं नहीं लिखा गया। बल्कि स्वाभाविक धुनन यही है कि दुख से बचें,
जन्म मरण के प्रवाह से बचे, अनाथ काल से हम भटकते आ रहे हैं, किंतु विवरण नहीं। पीछे से जहां विवरण दिया गया वहां खंडन किया गया, नागसेन ने पहली बार खंडन किया, आत्मा के परनिश्चित स्वरूप का उन्होंने खंडन किया, क्षणिक प्रवाह की व्याख्या की। लेकिन क्षणिक प्रवाह की व्याख्या करने पर भी वो यही मानते हैं कि मैं चेतन हूं, क्षणिक भले माने लेकिन जड़ तो नहीं मानते अपने को। तो दुनिया में जितने आध्यात्मिक पथ हैं केवल अपवाद बौद्ध मत है जो क्षणिक विज्ञान मानता है आत्मा को। लेकिन जिसको मूल वचन बुद्ध का कहा जाता है उसमें ये बात नहीं। कुल मिलाकर के उनका वो मान लिया जाए क्षणिक विज्ञान, तो भी वो बारंबार अपने को कहते हैं हमें दुख से मुक्त होना है। तो दुख से मुक्त होना है किसको? जिसको होना है वो तो है, तभी दुख से मुक्त होना है। मोक्ष किसको लेना है? निर्वाण किसको लेना है? इसलिए अपने आप पर जो विश्वास है ये बड़ी बात है। देह से भिन्न आत्म अस्तित्व है, इसका दृढ़ विश्वास होना चाहिए। सत्ता है, लेकिन सत्ता में विश्वास जब तक नहीं होगा तब तक साधना में प्रगति नहीं होगी। जैसे कि संयम से और त्याग से कल्याण होता है, इसमें दो मत नहीं है पूरी दुनिया में। भौतिकवादी भी मानेंगे कि संयम से ही कल्याण है। कल्याण का अर्थ हुए देह से अतीत पुनर्जन्म में न माने, किंतु ये तो मानना पड़ेगा कि इस जीवन में दुख से रहित होना कल्याण है। तो संयम से कल्याण है ये निर्विवाद है, लेकिन इसमें भी विश्वास करने से तब संयम संभव। संयम में कितने लोगों को विश्वास है? विश्वास का अर्थ है उस पर कदम रखना। कदम नहीं रखते तो विश्वास कहाँ है? मन में होता है भोग, भोगने से आनंद आएगा। आत्म अस्तित्व के विषय में विश्वास होना चाहिए। आत्म अस्तित्व तो है ही, आप ही आत्मा है, आप ही को विश्वास करना है अपने पर। इतने भटक गए हैं कि अपने पर ही विश्वास नहीं, वो विषयों का प्रमाद, देहाभिमान, मन और तन का जड़ाध्यास इतना जबरदस्त कि जो संचालक है वो अपने ही को भूल गया। अपने आप की ही याद नहीं है। तो आत्मविश्वास की जरूरत है। आप मन नहीं है और तन नहीं, तन और मन दोनों औपाधिक संपत्ति है आपकी, एक मिली हुई संपत्ति है। और वो संपत्ति आपको काटती है, आपको तकलीफ देती है, और उसी में छुटकारा का रास्ता है। वो होता ही नहीं तो झंझट ही नहीं होती, लेकिन है तो उसी में से बांका फारना है, रास्ता बनाना है और अपने को निकालना है। खाए बिना रह न जाए, पेट फूले जीव जाए, एक कहावत है। एक आदमी रहे तो ज़्यादा खा ले, परेशान हो जाए, लोग समझावें तो कहे खाए बिना रह न जाए, पेट फूले जीव जाए। खाए बिना रह नहीं जाता है और खाता है तो ज़्यादा खा लेता हूँ तो पेट फूलता है, जीव जाता है। एक सामान्य कहावत है, ये पूरी दुनिया की स्थित है। एक डॉक्टर ने मुझसे कहा कि साहब जो लोग खाते हैं
मनुष्य आधा वही खाते आधा हम लोग खाते हैं। अगर ये आदमी खाना संयमित कर दे तो हम लोगों की आमदनी आधी घट जाए, अब आमदनी घट जाए तो भी हमें कोई कमी नहीं रहेगी। हम तो चाहते हैं कि लोग कम खाएं और आमदनी घट जाए हमारी, ये सुखी रहें, लेकिन उपदेश दो तो भी नहीं कम खाते। तो खाए बिना रह न जाए, पेट फूले जीव जाए। आदमी इतना उलझा हुआ है तन और मन में, उसमें पिस रहा है, और उसमें से अपने को निकालने के लिए युक्ति नहीं पा रहा है, और जो युक्ति पाता भी है उसका उपयोग नहीं कर रहा है। त्याग के बिना कोई भी युक्ति का उपयोग नहीं होगा। रहनी क्या है? त्याग। कोई भी रहनी सद्गुण त्याग के रूप में हमारे सामने आता है। जैसे मानो खाने में संयम, तो उसमें त्याग की जरूरत है, प्रलोभन न करो। ऐसे हर जगह जैसे कि क्षमा करना है तो त्याग की जरूरत है। अहंकार त्यागे बिना कोई क्षमा कर ही नहीं सकता है। जब अहंकार त्यागेगा तभी तो क्षमा करेगा। मीठ बोलना चाहिए। अब अहंकार कामना कोई नहीं त्यागेगा, मीठ नहीं बोल पाएगा। कट क्यों निकलता है? अंदर में कसैला है, विषय, तब कट निकलता। अंदर में विष नहीं रहेगा तो कट कहाँ से आएगा? कहें कबीर, ये कली है खोटी, जो रहे करवा से निकले टूटी। करवा में जो रहता वही तो टूटी से निकलता है। कट इसीलिए निकलता है कि अंदर में कसैला है। अब उस कसैलेपन को त्यागोगे तो कट कहाँ से आएगा? अब इसमें संयम त्याग की जरूरत है। निर्माण बनो, सह लो। जब सह पाओगे तब मीठ बोल पाओगे। कट क्यों निकल जाता है? क्योंकि हम ये मानते हैं कि अगला आदमी असंयत काम कर रहा है, अनुचित बोल रहा है, अनुचित बात कर रहा है, इसलिए कट निकलता है। लेकिन कट निकाल करके हम भी तो ही अनुचित कर रहे हैं। और अनुचित कर रहा है तो हमें संभालना चाहिए कि कट न कहें, और उसको ऐसा समझाने की चेष्टा करें जिससे कि वो अनुचित न करे। अब इसमें त्याग की जरूरत है, सह लेना, धीरज रखना, अपने को मांझने का काम सबसे बड़ा है। उपदेश करना बहुत सरल है, अब अपने को मांझना भी बहुत सरल है। करे तब लाभ उसी में। प्रलोभन का त्याग, प्रलोभन का त्याग, गलत कमाई का त्याग तभी होगा जब प्रलोभन का त्याग हो। प्रलोभन का त्याग नहीं होगा, गलत कमाई का त्याग नहीं होगा। महात्मा गांधी ने वकालत जब की दक्षिण अफ्रीका में, झूठ नहीं, झूठ का आधार नहीं लिया। बिना झूठ का आधार लिए उन्होंने वकालत की, और वकालत उनकी सफल रही। उनकी इसी प्रतिष्ठा थी, सच में इतनी प्रतिष्ठा होती है। लेकिन उनकी दृष्टि पैसे पर नहीं थी, कर्तव्य पर थी। पैसा मिलता था। आज भी शून्य नहीं है वकालत में बिल्कुल। झूठ का त्याग तो सबके बस की बात नहीं है। कानून के ऐसे रेचे पेचे होते हैं। आज भी ऐसे वकील हैं जो गलत मुकदमा नहीं लेते हैं। ऐसे मुकदमे होते हैं, ऐसे ऐसे जालसाज हैं, 50 लाख की संपत्ति है, खेत है, मकान है, कुछ है, और एक षड्यंत्री है, हड़पना चाहता है, वकील से बात करता है, 10 लाख रुपया उसको देने के लिए कहता है, 20 लाख देने को कहता है, जैसे पट जाए। वकील सोचता अच्छा, षड्यंत्र करता है,
और हड़पने की चेष्टा करता है, सब वकील ऐसा नहीं करते। उससे कोई एक अच्छे वकील से कोई कहे वो डांट करके खदेड़ देगा, वो कहेगा तुम्हारा कोई हड़पता हो तो बताओ, फिर वकालत करता है उसमें झूठ फुरकुचाता है। तो सब जगह अच्छे लोग हैं, अंतर है। कुछ लोगों के गले में कहते नट्टी नहीं है, पूरा पूरा जितना डालो चला जाता है, मतलब बड़े खब्बू हैं। खब्बू लोग महादुखी होते हैं। मैंने अपने जीवन में अनेक डॉक्टरों को देखा है कि जो बहुत कम फीस लेते थे, इतनी भीड़ होती थी, पैसा बहुत बढ़ जाता था, पैसा बहुत बढ़ने की उनकी चेष्टा भी नहीं थी, और उनकी शोहरत, उनकी प्रशंसा और उनको मानसिक प्रसन्नता, जो सबसे बड़ा सुख है, वो मिलता था। जिनका मेरा संपर्क था अब तो बूढ़े हो गए होंगे, जब मैं उधर जाता था नौजवान थे, मैं उनको देखता था कि कोई मत का साधु हो उनकी फ्री सेवा, गरीब से और कम लेना, जो बहुत गरीब हो ऐसे कर देना, यहाँ तक कि गरीबों के प्रसव कि जब बात आवे तो अपने हॉस्पिटल में प्रसव करा दें, अपने तरफ से सेवा कर दें। वो जाना चाहे तो कहें तुम्हारे घर में सीलन होगी, अभी दो चार दिन ही रहो, इतनी दया, और सब अपने तरफ से कर देते, कमी कुछ नहीं। जो केवल पैसा नोचते हैं वो शांत नहीं रहते, सुखी नहीं रहते। आजकल तो ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं जो अगर पैसा वाला आदमी है, बीमार है, ऐसी दवाई दे देंगे इसकी बीमारी बढ़ जाए, जिससे काफी दिन तक वो भर्ती रहे और खूब इनकम। और दूसरे ढंग के वकील हैं, डॉक्टर ऐसे सब क्षेत्र में है। धर्म पुरोहितों की दशा, जालसाजी करो, फंसाओ, धोखा दो, चमत्कारी बात करो, ईश्वर दर्शन का झांसा दो, बकवास करो, फंसाओ, ऐसे भी कुछ हैं कि जो निर्णय विवेक की बात करते हैं। सब तरफ दो नंबर के और पहले नंबर के हैं। दो नंबर वाले कभी सुखी नहीं होते हैं, हो सकता हो कुछ माया की चीज ज्यादा बटोर ले। गुरु में ऐसा है कि धोखाधड़ी वाला काम, चमत्कारी बात, बकवास करके उनके पास पैसा ज्यादा हो जाता है, लेकिन उनकी अंतरात्मा संतुष्ट नहीं हो सकती। जो सही ढंग से चलेंगे वही संतुष्ट होंगे। गांधी जी यही बारंबार प्रयोग करते थे। जब मैं सेवाग्राम में गांधी आश्रम में गया अभी कुछ वर्ष पहले, तो देखा जगत बड़ी लंबी चौड़ी है, जगह जगह साधारण मकान बने, एक कमरा था। जो इस हाल का आठवां हिस्सा होगा, छोटा सा, और उसमें ऊपर खुटिया गड़ी थी, पटरे पीछे थे, चटाई पर सब सोते थे, और सुबह लपेट करके ऊपर पटरे पर रख देते थे, और फिर वहाँ और भी कुछ काम धाम किया जाता था। गांधी जी का शौचालय देखा तो लोगों ने बताया कि जब गांधी जी दिल्ली चले गए थे तो एक सज्जन ने उनको यहाँ फ्लिस की टट्टी फ्लिस बैठा दिया था। साधारण था एकदम, बहुत साधारण, और ऐसे झुग्गी झोपड़ी रूप में जगह 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 खाने पीने की जहाँ जगह, वो भी सब साधारण। और उसी साधारण जगह में बैठ करके ऐसी ऐसी मीटिंग होती थी जो अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव वाली होती थी। उनकी दृष्टि भोग पर नहीं थी, गुजर तो होता है, काम करो, फिर और बनते गए। तो मनुष्य भोगों पर दृष्टि रखता है,
त्याग किए बिना वो सुख नहीं मिल सकता है। सारी रहनी सारे सदगुण त्याग के बल पर होते हैं। तन और मन ये दो झमेला सबके पास है। शरीर की व्यवस्था की जरूरत है, शरीर सुव्यवस्थित हो। जो अपने शरीर पर ध्यान नहीं देता है और शरीर का स्वयं डॉक्टर नहीं बनता है, बाहर का डॉक्टर क्या करेगा? इतनी अकल नहीं, भोजन की मात्रा का अकल नहीं। अधिकतम लोगों को अपने भोजन की मात्रा की अकल नहीं। भोजन की मात्रा हमारी क्या? हजरत मोहम्मद ने भी अपनी भोजन की मात्रा के विषय में कहा, तथागत बुद्ध ने भी कहा है, सभी संतों ने कहा है, कबीर साहब के तो विषय में देखो आहार विहार सबके विषय में खूब कहा है, अन्न पानी योग। भोजन की मात्रा का ज्ञान होना, हबक के न खाना। गोरखनाथ ने कहा, हबक न खईबा ठबक न चलीबा धीरे धरीबा पाऊ। हबक के न खाओ, खाने में हबक के खाओगे ज्यादा खा लोगे। गांधी जी ने भी कहा है कि थोड़ा थोड़ा मुख में ले करके चबा के खाओ तो थोड़े भोजन में तृप्त हो जाएगी। हबक हबक के खाओगे ज्यादा खा लोगे पीछे नुकसान करेगा और पिसेगा भी नहीं। भोजन की मात्रा का ज्ञान नहीं रखते, प्रलोभन, जो चीज नुकसान करने वाली ठूस के खा ली, इतनी अकल नहीं। एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, दस दिन नहीं, रोज रोज। गृहस्थ नहीं जो घर द्वार छोड़ दिए, माँ बाप परिवार सब छोड़ दिए, खाने में नहीं है स्वयं कर पा रहे हैं, तो क्या होगा? खाने का संयम, खाने में ये विश्वास कि जल्दी पचने वाला भोजन सबसे गुणकारी है और जल्दी पचने वाला भोजन सस्ता भोजन होता है। अन्न हो सब्जी हो, पानी में पका के खाना, यही सस्ता भोजन है। और सस्ते भोजन से खूब प्रोटीन और विटामिन मिलेगी, शरीर में कोई कमी नहीं रहेगी। कभी चेष्टा ना करो घी दूध मेवे फल ये चीज मिले तब ठीक रहेगा, ऐसा कभी ना सोचो। जो उपलब्ध हो सहज लो सुपाच्य लो, इस पर विश्वास करो। कड़ी भूख लगने पर खाओ, ऐसा खाने के नियम रखो कि भोजन के टाइम कड़ी भूख लगे। ये नहीं कि दोपहर को भोजन हुआ तो कड़ी भूख नहीं लगी, दो बजे कड़ी भूख लगी तो वे भंडारी को बताए भाई मैं अब कड़ी भूख लगी है, तो ये कोई बात हुई? ऐसा भोजन करो, ऐसा नियम रखो कि भोजन के टाइम पर कड़ी भूख लगे। कड़ी भूख में खाना और सुपाच्य खाना और संतुलित खाना ये पेट के लिए जरूरी है। और शरीर से श्रम करना, हम जैसे लोगों का दुर्भाग्य है शरीर से श्रम करने का अवसर नहीं। अगर मैं आश्रम में ही रहूं 12 महीने तब तो शरीर से श्रम कर सकता हूं। साथी लोग रोक करके क्या करेंगे? हम करेंगे 2 घंटा और कोई नहीं रोक पाएगा, 2-4 दिन हल्ला करेंगे फिर बंद कर देंगे। लेकिन अब भ्रमण में हूं तो वहां कौन हमसे अपने खेत में काम करवाएगा? फिर काम भी यहां भी रहता हूं तो और दूसरा काम है वो कर रहा हूं। तो शरीर से श्रम जिनको करने का अवसर नहीं होता है उनको चाहिए व्यायाम, आसन, घूमना, ये करें, निकम्मे न रहें। यहां के आश्रम वासियों के लिए तो आश्रम से बाहर घूमने की जरूरत ही नहीं, इतना लंबा चौड़ा परिसर है और अंदर में सड़क है, खूब घूम सकते। मैं तो प्रातः घूम लेता हूँ, 2:30 बजे उठता हूँ, 3 से 4 के अंदर में घूम लेता हूँ, शाम वाला मैं छत पर घूमता हूँ जिससे लोगों को डिस्टर्ब ना हो, खूब घूमें और व्यायाम करें, आसन करें। आसन व्यायाम और घूमना न करेंगे जंग पकड़ेगा शरीर में, कब्ज होगी, विकार होगा।
शरीर श्रम, गांधी जी ने शरीर श्रम 11 व्रतों में एक व्रत माना है, अहिंसा सत्यस्ते ब्रह्मचर्य असंग्रह, शरीर श्रम अस्वाद सर्वत्र भयवर्जन, सर्वधर्म समानुता स्वदेशी स्पर्श भावना, विनय व्रत निष्ठा से ये एकादश सेद्य हैं, ये उनका मंत्र है। तो उसमें शरीर श्रम एक व्रत है। एक सज्जन गांधी जी से गए कि बापू जी मुझे कुछ सेवा काम दीजिए। वो इंग्लिश में अच्छा लिखते थे और हरिजन पत्रिका निकल रही थी, तो कहे बापू जी, कई बार कहे बापू जी कुछ सेवा काम दीजिए। उन्होंने कहा जरा गेहूं पीसना है, सहयोग कराई। उस समय आटा चक्की नहीं थी कि पिसवाला, अपने हाथ से लोग पीसते थे, जरा गेहूं पिसवाना है, सहयोग कराई। उनके मस्तक पर पसीना आ गया बेचारे। विनोबा जी ने लिखा है कि धनी घर की स्त्रियों को मैं कहूं कि देखो परिश्रम किया करो, आटा स्वयं चक्की से पीसा करो, तो व्यायाम भी तुम्हारा हो जाएगा। तो व्यायाम की दृष्टि से अगर चक्की चलाएंगी तो उसमें गेहूं नहीं डालेंगे, क्योंकि गेहूं डालेंगे तो मजदूर का काम हो जाएगा। चक्की केवल चलाएंगे कि व्यायाम करते, और गेहूं डाल देंगे तो मजदूर का काम हो गया, तब तो फिर घटिया हो गया। ये उन्होंने व्यंग किया। मतलब है कि मेहनत करने को लोगों ने अपनी हेठाई मान ली, ये महादुर्भाग्य। और ये ऊंच नीच की भावना जब से बढ़ी है तब से बढ़ा है, ये तो मैं अनेक बार कहा करता हूं। जब से वर्ण व्यवस्था बनी तब से वैदिक परंपरा में मोटा काम करने वालों को छोटा मान लिया गया है, और खुद वेद के ऋषि कुल काम करते हैं। कारुराम ततो विषक उपल प्रक्षणी नना, मैं शिल्पी हूं, मेरा पिता वैद्य है, मेरी माँ भड़भूज है, नाना धियो वसुयो है, धन के लिए हम नाना काम करते हैं। सब परिश्रमी थे। परिश्रम में निष्ठा होनी चाहिए, शरीर से श्रम। अगर 2-3 घंटे शरीर से श्रम हो जाए तो फिर काफी है। व्यायाम में तो इतने समय की जरूरत, क्योंकि व्यायाम में सघन परिश्रम होता है, तो थोड़े में हो जाता है। लेकिन अगर शरीर से श्रम करने का अवसर है तो व्यायाम की कोई जरूरत नहीं। शरीर से श्रम रोज होना चाहिए, और श्रम करने में लज्जा नहीं करना चाहिए। हम तो पढ़े लिखे हैं, हम तो बूढ़े हैं, हम तो गुरु हैं, हम तो इतने दिन के साधु हैं, ये कोई बात हुई? स्वामी विवेकानंद खुरपी लिए जब मरने के कुछ दिन पहले अमेरिका घूम आए थे, प्रसिद्ध हो गए थे, खुरपी लिए घास निकाल रहे थे बारी में, तो लोग आए मिलने कुछ कि स्वामी जी से मिलना है, उन्हीं से पूछ रहे हैं। तो सोचिए कोई साधु होगा घास निकाल रहा, तो कहे कि ठीक है मिल लोगे, हो जाएगा। तो कहे महाराज कहाँ मिलेंगे? कहे मिल जाएंगे। तो उठे, हाथ हाथ धोए, गए बैठे, कहो क्या बात है? तो वो समझे कि यही है। तो श्रम करने में जो लज्जा आती है यह ज्ञान है। शरीर से श्रम, अगर आदमी इतने नियमों का पालन करे, अटपट खाता न रहे, खाने पीने के सबका संयम होना चाहिए, जलपान थोड़ा करे, फिर कुछ कैसी भी चीज आए उसको मुख न ले, जलपान करने से भूख नहीं लगती तो जलपान न करे, केवल पानी पी ले, दोपहर में भोजन करे फिर कुछ न खाए, और अगर आगे टाइम से खाना है तो बस उसी टाइम खाए, और संतुलित खाए, और श्रम करें, देखो सब ठीक रहेगा। अब मन का भी कनेक्शन है, मन संयत सरल हो, मन से शरीर पर प्रभाव पड़ता है, क्रोध आने पर पूरा शरीर खोल जाता है, काम आने पर विवलता आ जाती है, ईर्ष्या में चित्त जलने लगता है, शरीर में क्षोभ पैदा होता है,
भय आने पर लार की ग्रंथियां लार छोड़ना बंद कर देती, पेशाब जोर से लगी है, पेशाब करने बैठो मन से सत्ता ना दो तब तक पेशाब नहीं उतरेगी। मन का तन से कितना संबंध है, भय की अवस्था में पेशाब अपने आप गिरने लगती है। ये जमींदारों के जमाने में देखा गया है, जब अंग्रेज गवर्नमेंट का जमाना था तो जमींदार और रियासतदार के लिए अंग्रेज गवर्नमेंट के तरफ से काफी ढील था। हत्या हत्या में तो मुकदमा चलता था, लेकिन कोई मारे पीटे रियाया को लूटे पाटे तो सरकार ध्यान नहीं देती थी, इनका काम है। वो अपना लगान जमींदारों से ले लिया और जमींदार पब्लिक से ले लगान लेते थे, वैसे भी पकड़ के लेते थे। जब जरूर रुपये पड़ती थी रियासतदार लोग बड़े बड़े किसानों को बुला करके इतना लाओ, और वहाँ थाने पर जाए तो कोई सुनवाई नहीं। सामान्य रियाया को तो बुलाए और रियासतदार जमींदार ने कस के डांटा और उसको लगा कि हम पीटे जाएंगे तो कितने लोग खड़े खड़े पेशाब करने लगे। ये भय की भावना से शरीर में कितना मथन होता है, क्रोध काम भय ईर्षा शोक चिंता ऐसे कीड़े हैं जो मन को तो पीड़ित करते ही शरीर को भी जलाते और रोगी बनाते हैं। अमेरिका की एक घटना, जो एक व्यक्ति प्रौढ़ था, बूढ़ा नहीं था, रोग हो गया था और डॉक्टर ने कहा था कि साल भर तुम चल सकते हो, बस चल गए तो साल भर चल गए, बस शरीर खत्म हो जाएगा। तो उसको तो पहले बहुत भय और दुख हुआ, लेकिन सोचते सोचते उसने सकारात्मक पक्ष सोचा, जब शरीर छूट रहे हैं तो अब क्या चिंता करो, पैसे वाले खूब थे, खूब पैसा लिया, चल दिया घूमने अनेक देशों में, वह भारत भी आया था और चीन भी गया था। और जहां जाता था नौका विहार करना, क्लबों में डांस करना और हंसना और अपना सहज रहना कि शरीर तो छूटने है। उसने अपनी डायरी में लिखा है कि भारत के गरीबों और चीन के गरीबों से तो मैं रोगी होकर के भी सुखी हूँ, ये लोग तो बेचारे दिन भर पेट भर दाना भी नहीं पाते। उसने निकट से देखा, गांव में भी जाके देखा, झुग्गी झोपड़ियों में देखा, ऐसे गरीब लोग हैं जिनको पेट भर खाने की नहीं मिलता। हमारे जमाने में हमने देखा है कितने घरों में दाल भात बनना तो मुश्किल है, भात बन जाए और नमक से खा ले बहुत है, और भात मिलना मुश्किल, कहीं भूना उना भून करके खा लिए और पड़े हैं बेचारे, काम भी करना पड़ता, बड़ा संताप था। आज के जमाने में बहुत अन्न पानी सब फैल गया है। तो उसने लिखा है कि भारत और चीन के गरीबों से तो मैं रोगी होकर के भी सुखी हूँ, तो बेचारे खाने भी नहीं पाते। और साल भर के पहले ही अमेरिका गया तो डॉक्टर से जांच करवाया, डॉक्टर आश्चर्यचकित हो गया। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा रोग तो दूर हो गया, अभी तुम मरोगे नहीं। और उसके बाद वो बीसियों वर्ष तक जीवित रहा। तो मानसिक प्रभाव शरीर पर बहुत आता है, हल्का मन और दुनिया की चीजें, दुनिया की व्यवस्था कौन कर सकता है, इसकी व्यवस्था पूरी कोई नहीं कर पाया है। जो अपना कर्तव्य है करते चले, अपने अपने आप अपने मन को ज्यादा डाल देना व्यवहार में दुख का कारण बनता है, उसमें ज्यादा न डुबाओ, काम करो। अच्छा कोई काम न करे तो संतुष्ट रहेगा, बिल्कुल ऐसी भी बात नहीं है। जिम्मेदारी लेकर के करने से अपने व्यक्तित्व का निर्माण होता है। जो लोग मानते हम कुछ नहीं कर, एक साधु ने तो बताया कि एक बड़े साधु ने मुझसे कहा कि देखो
तुम जब भंडार घर में रोटी बेलने जाओ तो टेट मेट बेल दो, अच्छी रोटी बेलोगे तो तुम्हें बारंबार कहेंगे आओ काम करो आओ काम करो। हम कहें महाअपराधी वो साधु था, उसको तो निकाल बाहर करना चाहिए। ऐसे लोगों का कल्याण क्या होगा, व्यवहार ही खराब है। तो ऐसे ऐसे भी दुष्ट होते हैं वेश में, हम तो सुने तो दंग रह गए। कहीं किसी आश्रम की बात है, दूर की बात है और ज्यादा दिन की बात है, लेकिन ऐसे ऐसे होते हैं। श्रम करना चाहिए और श्रम में शौक से करना चाहिए, सब काम शौक से। परिश्रम छोड़ देने से तो मन और खराब होगा। जिम्मेदारी लेकर के जो काम करता है उसका व्यक्तित्व और सुव्यवस्थित हो जाता है। मैंने तो अपने जीवन में देखा, कई बार मैं कहता हूँ कि मेरी उम्र उस समय 10 की थी जब मुझे सब व्यवहार का काम देखना पड़ा था, पूरी गृहस्थी खेती बाड़ी संभालनी पड़ी थी और शौक से संभालता था। मुझे शौक रहता था कि माता पिता को किसी प्रकार की चिंता ना हो, मैं सब कर लूँ। जब गुरुजी के पास आया तो वहाँ जैसे बन सकता था करने की चेष्टा रखता था। अब वो सब करते करते आज तक जो जिम्मेदारी लेकर के किया उससे मेरा बड़ा कल्याण हुआ, दूसरे का जो हो रहा है हो ही रहा है, मेरा बड़ा कल्याण हुआ। और जिम्मेदारी न लेना, अपने समझना फ्री होंगे, फ्री क्या होंगे, मन भटकाएगा। श्रम की जरूरत है और जिनको जितनी जिम्मेदारी लेने की योग्यता है ले करके काम करेंगे तो उनका व्यक्तित्व निखरेगा, निठल्ला रहेंगे, पतित होंगे, किसी काम लायक नहीं होंगे। शरीर में हमारे रजोगुण तमोगुण सतोगुण तीन गुण हैं और ये तीनों गुण वर्तमान करते हैं अंत तक। जीवन मुक्त के शरीर में भी रजोगुण तमोगुण सतोगुण के साथ रहते हैं, वे सब शुद्ध जाते हैं। कोई भी जीवन मुक्त पुरुष क्रिया के बिना नहीं रह सकता है। मैं श्री विशाल साहब को देखा तो लोग मिलने आए हैं, प्रसिद्धि हो जाने पर तो झंझट बहुत होती, मिलने लोग बहुत आते हैं। तो एक बार देखा तो जड़ चेतन भेद प्रकाश का मूल साहब हाथ में लिए रहे हैं और उसी की रटा करें छित जल कैसे भूम जल तेज वायु आकाशा पांच तत्व जड़ सदा निवासा चेतन जीव मिलखट वस्तु है असंसार अनाथ स्वयं। फिर उसी को प्रेम साहब हंसे कि साहब प्राथमिकता प्राथमिक पाठ पढ़ रहे हैं तो अपना उसी पढ़ा करें, लोग बंदगी करें जाए आवे। कई बार उदाहरण देता हूँ काशी वाले के संत को जो पोस्ट ऑफिस के सामने लाबी में पड़े रहते थे, नंगे रहते थे, या तो पलथी मार के बैठे रहते थे या तो पेट के बल लेटे रहते थे। उनका कक्ष भाग कोई कभी देख नहीं पाता था, जब खड़े होते थे तब तो दिख जाता था। बहुत तगड़े एक जगह पड़े रहते थे, मोटा गए थे, लेकिन मौन रहते थे, नंगे फर्श पर रहते थे, एकदम फर्श पर, सीमेंटेड फर्श पर। कठिन ठंडी रहती थी, हम लोग कमरे के अंदर रजाई गद्दे में रहे, उस समय वह सड़क के किनारे पोस्ट ऑफिस की लाबी में फर्श पर बैठे रहे या पड़े रहे, इतना अभ्यास किए थे और कोई पागल नहीं थे। तो उनको मैं कई बार देखूं लेटे रहे पेट के बल और कागज पर कुछ लिखते रहे। तो ऑफिस वाले कागज का टुकड़ा इतना इतना रखते हैं और कई दावात स्याही भर करके और कलम कई ऐसे सेठा का बना करके रखते हैं, तो उसमें डुआएं लिखा है और अक्षर कुछ नहीं पता चले, तो लगे कि अपने मन को वो एकाग्र करने के लिए कर रहे हैं। तो रजोगुण शरीर में
वो क्रिया प्रधान है, क्रिया को एकदम कोई रोक नहीं सकता, क्रिया का संयमन चाहिए, अध्ययन में, श्रवण में, सेवा में, उस क्रिया के वेग का व्यय होना चाहिए। तम गुण है वो भी शरीर में है, जब हम सोने चलते हैं बत्ती बुझा देते हैं, अंधकार तम है, सोना तम है, और सोना कितनी जरूरी है, सोना सोना है, यानी सो जाना सोने के समान मूल्यवान है, बहुत जरूरी है सोना, और सोना तम है, आलस्य आना तम है, अब आलस्य की जरूरत है, आलस्य आएगा तभी नींद आएगी। तो सतोगुण की जरूरत तो है ही है, लेकिन रजोगुण तमोगुण की भी जरूरत जीवन भर है, अब वो शुद्ध करके हो जाता है ज्ञानियों के जीवन में। इसलिए क्रिया छोड़ करके कोई नहीं रह सकता है, और कोई संतुलित क्रिया न करेगा, संयमित क्रिया न करेगा, कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, सेवा नहीं लेगा, तो उसका मन इधर उधर भटकेगा, पतित होगा। ये निठल्ले साधुओं का इसीलिए घोर पतन है कि वह कहीं समर्पित नहीं है, और समर्पित होकर के उनके जीवन की सरणी कुछ नहीं है, कुछ जिम्मेदारी नहीं, कुछ व्यवस्था नहीं, इसलिए वो भटकते रहते हैं, और मन से गिरे, तन से गिरे, ऐसे तमाम तीर्थों में जाकर के देखो कितने ऐसे मिलेंगे, घूमते घामते मन एक मिलते हैं, इनमें कोई विवेक विचार नहीं, वो किसी कर्म लायक नहीं। जब तक कहीं समर्पित हो करके सुव्यवस्थित जीवन नहीं जिया जाएगा, तब तक जीवन का निर्माण नहीं हो सकता। तो शरीर का श्रम और मन का संयम, ये दोनों की जरूरत है। तन और मन हमारे पास है, इन दोनों को ठीक रखना हमारा काम है। इनमें न उलझना, इनसे काम लेना, इनसे ऐसा काम लेना जिससे बंधन कटे, इन्हीं से आप ऐसा काम ले सकते जिससे बंधन बने। अनाथ काल से बंधन बनाते ही आ रहे हैं, क्रोध काम ईर्षा द्वेष मन में ला के बंधन बनाते आ रहे हैं, शरीर का दुरुपयोग करके, इंद्रियों को उत्तेजित करके, अधिक भोग कर, अधिक खाकर खराब करते आ रहे हैं, अब उसी तन और मन पर संयम करके बंधन को काटने का काम करना है। नाव का पानी में पार करती है और न करते धरते बने वही डुबाती है, वही साधक है वही बाधक है। अपना शरीर अपना मन नरक में ले जाने वाला है, अपना मन अपना तन संयमित हो जाए यही कल्याण कर देने वाला है। हमें ये सब मिले, अब इनका उपयोग करना हमारे जिम्मे में है। समझ सही हो, उपयोग सही हो, तो ये कल्याणकारी हो जाएंगे। साधकों को इस पर जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग ये मान लेते हैं कि दिन भर छुट्टी रहे तो साधना बनेगी, वो भूल में, छुट्टी रहने साधना नहीं बनती। ना तो हर समय अध्ययन कर सकते हो, अध्ययन करते करते थकेगा दिमाग, ना हर समय ध्यान में बैठे रह सकते हो, ये दोनों नहीं होगा। ध्यान की अपेक्षा अध्ययन ज्यादा समय तक कर सकते हो, नहीं अध्ययन करते हो, अगर शक्ति है तो अच्छे विचार में रह सकते हो, अच्छे विचार में रहना अच्छा है, लेकिन जब काफी शक्ति आ जाएगी तब अच्छे विचार में रह सकते हो। इसलिए फुर्सत के समय में अध्ययन बढ़ना चाहिए। इन सारी बातों पर ध्यान होना चाहिए। जहां तक जिम्मेदारियां दुनिया की हैं वो हल्के मन से करना चाहिए, सब क्षणिक, सब क्षणिक, और जैसा सोचो वैसा सब कोई कर नहीं पाएगा, अधूरा बना रहेगा। इसलिए जो संभव हो वो काम करो, जितना बन सके करो,
कितनी जिम्मेदारी, कितना करने की जिम्मेदारी, कितने साधु को, कितने लोगों को चेता देना है, कोई जिम्मेदारी इतने लोगों को जगा दे हम? अरे पूरा हम अपना जगा रहे हैं और जो सामने मिले उनसे निवेदन करें, जिनको जगने गर्ज होगी जगे। व्यवहार की भी कोई जिम्मेदारी नहीं है इतनी कि इतना कर डालो, जो सहज हो वो करो, दिमाग को उलझाओ। व्यवहार वही सफल है कि जिस व्यवहार के परिणाम में संतोष शांति, कोई काम करो तो उसमें प्रसन्नता होनी चाहिए। अगर प्रसन्नता नहीं तो संबंध बेकार है। जिन लोगों के बीच में हम प्रसन्न नहीं है वो संबंध बेकार है। जो हमारे साथ हैं उनसे हम प्रसन्न नहीं हैं तो बेकार है संबंध। जो काम करते हैं उसमें हम प्रसन्न नहीं तो बेकार है। डॉक्टरी करते हैं, वकालत करते हैं, व्यापार करते हैं, खेती करते हैं, वो खिन्न है तो समझदारी नहीं। चेष्टा से पूजा समझो उसको, पूजा समझ कर प्रसन्न होकर करो। गृहस्थी में कोई गृहस्थ है और सदाचारी है, उसको थोड़ा ज्ञान है और ये लगता है गृहस्थी बहुत झंझट का घर है, लेकिन अब झंझट का घर मान करके हरदम क्लांत रहे तो वैराग विवेक थोड़े। गृहस्थी में है वो प्रसन्न है, काम करता है, व्यापार धंधा जो है करता है, खेती है व्यापार है करता है, बाल बच्चों को पालता पोसता है, सबसे प्रेम से बोलता है और प्रसन्न रहता है, खुश है। ये समझता है बंधन का कारण है, इसलिए अपने को बंधनों से मुक्त होने के लिए प्रयास करता है। लेकिन खिन्न रहे और गृहस्थी की हर चीज से खिन्न रहे, पत्नी बच्चे भाई सब से खिन्न रहे, उखड़ा उखड़ा, तो कोई बैराग विवेक थोड़े। खुश रहे सबसे, सबकी सेवा करे, स्नेह भाव रखे, प्रेम भाव रखे और बंधन और कांटे को समझे, अंदर से अहंता ममता को तोड़े और विवेक से रहे। जो काम करे उसमें तत्परता हो, प्रसन्नता हो, तब आनंद है। और जो परिस्थिति उपलब्ध है, जैसे धंधा की स्थिति है या प्राणी पदार्थों की स्थिति है, जो कुछ हम करते हैं वो स्थिति है, और उसमें हम खिन्न है तो असफल है। जो स्थिति मुझे प्राप्त हो उसमें प्रसन्न हो, ये सफलता है। अब वो मन की इच्छा से कहीं होगा? मन की इच्छा तो ऐसी है कि कहीं ठिकाना नहीं। सोने का मकान चाहोगे जिसमें रावण रहता था और सब मर गए, थोड़े दिन के युद्ध में सब मार डाले गए, चाहे वो कथा मात्र, सोने का मकान तो नहीं होता है। तो ये मन कि जो कल्पना है उसको पूर करके कोई संतुष्ट होगा? मन पूरा पूरा नहीं जहाँ तक करिए पूर, आखिर को रुकना दुख ही सब पुरुषार्थ धूर। मन को पूरा करने से कभी पूरा नहीं हो सकता और दुख ही में रुक जाना पड़ेगा। जो उपलब्ध है वो बहुत है, आवश्यकता से अधिक है, ये समझना चाहिए। आप देखो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गुजर करते हैं, मजदूरों को मैं देखता था कि उसकी पत्नियां भात लाती थी थाली में, दाल का तो बातें नहीं, सब्जी की बातें नहीं, नमक, और कभी कभी हो जाए तो तेल उसमें डाल देती थी। हलवाहक के मुख से मैंने सुना, खेत में रहता था, किसान घर में मेरा शरीर जन्मा है, तो हलवाहक की पत्नी ने भात लाया तो कभी कभी वो डांटता, इसमें तेल भी नहीं डाले, तो कहे का करे तेल रहे नहीं, नमक रहा, भात और नमक, कभी कभी तेल, कड़वा तेल थोड़ा सा उसमें डाल दे तो सरकता था खाने में, और खाते थे और काम करते थे। कई लोगों को वो भी पेट भर नहीं मिलता, ऐसे ऐसे लोग हैं। तो क्या चाहते हो, आपको क्या मिलना चाहिए? जिस स्थिति में रहे प्रसन्न रहे तब सुख है। अब बस तृष्णा तृष्णा वासना इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती।
सुख से हम कैसे रहें, जिस स्थिति में रहें उस स्थिति में प्रसन्न रहना सीखें, जिन मनुष्यों के बीच में रहें उन मनुष्यों से मीठा बोलना आदर देना सीखें, सबसे खुल मिल के रहें, अपने बड़प्पन का कभी ख्याल ना रखें, किसी चीज़ का बड़प्पन, गुरुवाई का बड़प्पन, उम्र का बड़प्पन, विद्या का बड़प्पन, तप का बड़प्पन, सद्गुण का बड़प्पन, ज्ञान वैराग का बड़प्पन, साधु होने का बड़प्पन, किसी चीज़ की याद न रखें, सामान्य मनुष्य अपने को समझे, और जिन लोगों में रहें घुल मिल के प्रेम से रहें, सुख से रहेंगे। कुछ अपने में बड़प्पन आरोपित करके रहेंगे तो कटुता बढ़ेगी, फिर आप ठीक नहीं बोल पाएंगे, कट बोलेंगे, अपनी आन बान कुछ दिखाना चाहेंगे, दूसरों के सामने अपने को प्रतिष्ठित करना चाहेंगे, वही कलेश शुरू हो जाएगा। एक सज्जन ने कहा, मैं जाता हूँ सभा में तो लोग मुझे आगे बैठने नहीं देते हैं, और मैं बुजुर्ग हूँ और मैं इतने दिन का हूँ। तो दूसरे ने कहा, आप पीछे बैठ जाओ, लोग कहें साहब आगे बैठिए आगे बैठिए, अब आप ऐसा कह रहे हो, ये कितनी तोहिनी की बात है। ये सब कमजोरियां, पीछे बैठने से क्या नुकसान होता है, बहुत बढ़िया है। अब मैं तो खाली कह पाऊंगा, बैठना मेरे लिए कठिन हो गया है। इसलिए बड़प्पन में बड़बड़ा अपराध है, झंझट है। तो पीछे बैठ जाने से क्या नुकसान होगा, जिन लोगों के बीच में रहें खूब प्रसन्न रहें, और हमारे द्वारा कम से कम किसी को कटुता न मिले, ये ध्यान रखो, तब सुखी रहोगे। सादा भोजन पर विश्वास करोगे तब सुखी रहोगे, सादा सस्ता भोजन, सस्ती चीजों का उपयोग करने में विश्वास रखोगे तब सुखी रहोगे, कम से कम अपने ऊपर खर्च करने की चेष्टा रखोगे तब सुखी रहोगे, प्रलोभन छोड़ोगे तब सुखी रहोगे, शरीर से श्रम करोगे तब सुखी रहोगे, और मन को विचार प्रवाह में रखोगे तब सुखी रहोगे, कामचोर बनोगे, कपट रखोगे, छल रखोगे, कभी सुखी नहीं रहोगे, निश्चल चित्त, निर्मल चित्त, समर्पित चित्त, तब सुखी रहोगे। सुख से कैसे रहें, तन और मन के गड्ढे में हम पड़े, जंजाल में पड़े, और ये दोनों हमें काटते हैं, पीड़ित करते हैं, और इन दोनों पर संयम होने से इन्हीं के द्वारा छुटकारा हमें मिलता है, और इसी जीवन में छुटकारा पूरा का पूरा हो सकता है। एक बात पर और ध्यान देना चाहिए, संदेह ये बड़ा घुन है, और संदेह मनुष्य के मन में आता है, तनिक तनिक बात में संदेह आता है, अच्छे लोगों पर आता है, सुजनों पर आता है, निकट वालों पर आता है, कई लोगों में परस्पर संदेह होने से बिगड़ जाता है। ऐसे कई समाज और परिवार में होता है जो मुख्य घटक है, चाहे परिवार हो चाहे समाज हो, उसमें कुछ मुख्य घटक होते हैं, मुख्य लोग होते हैं, खास लोग योग्य होते हैं, उम्र होती है योग्य होते हैं, वही चलाते हैं परिवार या समाज को, और उन लोगों में संदेह आने लगता है अपने साथी पर, और वो बहुत झूठ रहता है, लेकिन मन में भ्रम आता है। साहब ने कहा, संशय सब जग खंडिया, संशय खंडे न कोई, संशय खंडे सोजना जो शब्द विवेकी हुए। मुझे याद है मैं काशी में रहूं प्रकाशन में, तो उस समय तो मैं ही सब व्यवस्था देखता था, प्रूफ भी देखता था, पैसे की भी व्यवस्था सब, तो मेरे साथ श्रणपाल दास रहे और कोई रहे, तो उनको पैसा दे दूँ सब्जी लाने के लिए और कुछ लाने के लिए, तो फिर पूछूँ तो बताएं, कभी कभी संदेह हो मेरे मन में, इतना पैसा दिया था कैसे खर्च हो गया, गिरा तो कहीं नहीं दिए, ये तो हो नहीं कि ये ले लिए। श्रणपाल दास पूरा समर्पित, जो कुछ उनके था घर की संपत्ति वो भी समर्पित, और जब कभी मैं उनको कुछ देना चाहूं कभी लिए नहीं मेरे हाथ से, ऐसा आदमी चुरा लेगा,
तो ये तो संदेह नहीं रही कि चुराते हैं, ये संदेह गिरा तो नहीं देते। तो कॉपी उठा करके देखूं तो देखूं सब ठीक है, खरीद करके लाए हैं वैसे पैसा सब गणित के अनुसार सही है, तो गिराए नहीं। अब अगर वो न लिखे हो वैसे हो अंधकार में तो गिरा दिए, अब फिर आगे संदेह उन पर तो नहीं हो सकता, नहीं किसी पर हो सकता, ये धर लिए। तो संदेह होता है मनुष्य के मन में। अब अच्छे लोगों के प्रति संदेह होता है और अच्छे लोगों के मनों में संदेह होता है, वो विवेक द्वारा निराकरण करना चाहिए। साथी पर संदेह न हो, निसंदेह। साथी पर निसंदेह रहोगे वो भी अपना बढ़िया काम करेगा, कोई घटिया कर रहा है कुछ दिन में पता लगेगा तो अपने आप निराकरण हो जाएगा। ऐसा अपवाद कभी आता है, स्वाभाविक नहीं है, स्वाभाविक सच्चाई ही है। तो संदेह संशय सब जग खंडिया संशय खंडे न कोय। हमने मान लिया कि अमुक साधक आज दिन भर बैठा रहा कुछ किया नहीं, लेकिन हम नहीं जानते उसने कुछ किया है, दूसरे काम में लग गया है, और हम समझे वो मुंह चुरा करके बैठा है। अब ऐसी बात नहीं, तो ये संदेह तो अपना। ऐसे घर द्वार कहीं भी हो दूसरे के लिए मन में संदेह हो जाता है, इस संदेह का निराकरण रखना चाहिए। अपना मन नहीं संदेह, सब के लिए सब समर्पित है, सब करते हैं, कोई कम भी करा कोई हर्ज नहीं। अपना मन बड़ा जंगल है, अपना मन बड़ा नरक है, अपने मन नरक दे रहा है, दूसरा कोई नरक नहीं दे रहा है। अपने मन को ठीक कर लो, स्वर्ग स्वर्ग साथियों से नहीं बैठता है। अब कोई हो सकता है किसी का स्वभाव न ठीक हो, चला जाएगा। ज्यादातर अगर हमसे नहीं बैठता तो हमारी त्रुटि। जो लोग कहते हैं हमारे घर में नौकर टिकते ही नहीं है, तो इसका मतलब आपका दोष है, और जो नौकर कहता है मैं इस जगह टिक नहीं पाता तो उसका दोष है। पीढ़ी दर पीढ़ी नौकर चलते हैं, पीढ़ी भर वही नौकर रहा, उसके बाद उसका लड़का नौकर रहा, अच्छा व्यवहार जहां रहता है पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। अच्छा व्यवहार नहीं रहेगा तो खराब तो हो ही जाएगा। इसलिए व्यवहार की अक्ल, निसंदेह बुद्धि, सब में त्याग की जरूरत है। बस सारे सदगुणों के अंतराल में त्याग की आवश्यकता है। सुखी हम कैसे रहें, सुख से कैसे रहें, इस पर मैंने थोड़ा सा विचार रखा। भोजन पानी में संयम और ये विश्वास रखना, सस्ता सरल सुपाच्य भोजन में स्वास्थ्य है, और श्रम पर विश्वास करना, मन को संदेह रहित रखना, कटुता का एकदम त्याग करना, ये सबसे बड़ी बात है। कभी कटु न बोलो, अगले आदमी से गलती हो गई तो भी कटु न बोलो, मीठे वचनों में समझाने की चेष्टा करो। अगर आप स्वयं सुबस नहीं हैं, अगले आदमी की गलती के कारण आप उलझ गए तो न बोलो, जब सुलझ जाओ तब बोलो। इसीलिए न्याय में देर करने की बात कही जाती है। अब आजकल का न्याय देर तो है वो तो बहुत गड़बड़ है, मुकदमा चलता है। एक हत्या हो गई थी तो करीब करीब 17-18 वर्ष हो गए, और हत्या में एक आदमी नाजायज फंस गया था, तो यहाँ आकर के बताया कि साहब हम फंस गए, हम रहे नहीं, साहब कोई सोर्स हो तो जरा जज से कहलवा दीजिए, हम कि भाई ऐसा सब कुछ नहीं है और तुम आओ जाओ। अभी वो आया था, बूढ़ा हो गया, 16-18 वर्ष हो गया। हम कहे क्या है, कैसा है, वो इसे चल रहा है, कुछ नहीं हुआ है। अब वो मर भी जाएगा तब भी मुकदमा तय नहीं हुआ है, तो ये देरी तो बहुत गलत है। लेकिन न्याय में कुछ देरी करना चाहिए, जिससे कि संतुलित चित्त से न्याय करें, तो उलझे ना, उद्वेगित ना हो। कटुता का त्याग सबसे जरूरी, समाज परिवार और दो व्यक्तियों का संबंध मिठास से बढ़िया। कट शब्द कहोगे, तिरछा कोनी करोगे, कुतर्क करोगे, आप ही सुखी नहीं रहोगे, दूसरा क्या सुखी रहेगा। इन सब बातों पर ध्यान रखना चाहिए और अपने जीवन में प्रयोग करना चाहिए, अपने तन मन के बंधन से मुक्त होना चाहिए।
इसी के लिए सत्संग।